नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है 67 बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। आपके जो वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी रहने वाली उम्मीद है। 1000+ वैकेंसीज रहेगी, करीब करीब आपको 250 to 300 आपको DSP और SDM के पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा जो अदर पोस्ट रहेंगे उसको मिलाते हुए कम से कम 1000+ वैकेंसी होने के चांसेस हैं। और जो नोटिफिकेशन आपका अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा, एग्जामिनेशन होने का जो संभावना है, फिलहाल नवंबर का महीना बन रहा है, तो इसके मद्देनज़र मैं जो क्लासेस हैं, जो अभी प्रेजेंट क्लासेस थे वो तो ख़त्म होने वाले हैं, तो बहुतों की क्वेरी थी कि हमारा नेक्स्ट बैच कब आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अनाउंस कर दे रही हूँ कि 4 अगस्त को हमारा सेकेंड बैच BPSC 67 PT के लिए आने वाला है। इसमें ये जो बैच है BPSC 67 के अभ्यर्थियों के साथ साथ AA और AO का जो अगला वैकेंसी आने का संभावना बन रहा है उनके भी अभ्यर्थियों को कवर करेगा, क्योंकि आपके भी एग्जामिनेशन उसी आसपास होंगे और आपके पास भी अभी पर्याप्त समय है। ठीक है, तो आप लोग जो AA और AO का जो एडवर्टीजमेंट आएगा, 67 BPSC PT का जो अभी एडवर्टीजमेंट आने वाला है, इन सभी के लिए कंबाइंड जो क्लास होने वाला है वो आपका 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो रहा है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं क्लास के लिए वो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, पेमेंट का लिंक दिया हुआ, फी का डिटेल्स दिया हुआ है। मैं फिर भी समझा दे रही हूँ कि बेसिक आपका जो तैयारी हो किस तरीके से होगा, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। तो 150 प्रश्न का एग्जामिनेशन होता है, आप सभी को पता है, जिसमें कि 140 प्रश्न आपको GK GS रहते हैं और 10 प्रश्न जो रहेंगे वो आपको वो केवल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे क्लासेस में जो अभी जो मैं क्लासेस कराती आई हूँ वो आपको 10 मार्क्स नहीं कवर करके, ये 140 मार्क्स कवर करता है। ये 10 मार्क्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से सॉल्व करते हैं। तो 140 मार्क्स का जो ये आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, ये मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। 2 आवर्स के रेगुलर क्लासेस होते हैं, मेरे द्वारा गाइड किया जाता है, जिसमें कि गूगल मीट एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लास होता है, बायलिंगुअल रहता है। ठीक है, आपको और आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास में, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स फर्दर फिर से बाद में डिस्क्रिप्टिव नोट्स अलग से दिया जाता है PDF के माध्यम से, वो आपको हिंदी और इंग्लिश आपके सुविधा अनुसार मिलेगा, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। क्लास डिले जो होता है वो आपको क्लास के बाद में करीब ये 1.45 जो आवर्स का क्लास होता है, इसमें आपको कंटेंट लिखवाए जाते हैं। लास्ट का जो 15 मिनट्स होता है, इसमें आपको सेम टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको कवरअप कराने की कोशिश की जाती है, ताकि आपका जो सेम डे एक रिवीजन हो जाए या फिर सेम डे आपका एक तरह से मॉक टेस्ट हो जाए। बाकी इस क्लास में के जो एंड में आपको 5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे अलग से, हालांकि मॉक टेस्ट डेली चलता है, लेकिन आपको अलग से फुल लेंथ का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अलग से कोई चार्जेस नहीं है। जो चार्ज होगा आपको वन टाइम में ही पेमेंट करना है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास बायलिंगुअल चलेगा, नोट्स हिंदी में ही लिखाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा और आपको नोट दिया जाएगा, आपको अलग से जो डिस्क्रिप्टिव नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF के माध्यम से, जो क्लास वाले नोट्स के अलावा अलग से रहेंगे, जिसमें क्लास का नोट भी कवर करेगा लेकिन फिर भी कुछ एक विस्तृत नोट होगा जो आपको आपकी सुविधानुसार दिए जाए, ताकि आप मेरे जो क्लास के नोट के अलावा कुछ और अलग से पढ़ना चाहते तो उस नोट्स को भी आप देख सकते हो, या फिर हो सकता है आपका क्लब क्लास बंक हो जाए, छूट जाए, तो फिर उस नोट्स का हेल्प आप ले सकते हो। तो ये जो प्रिपरेशन कराया जाएगा आपको, ये 3 से 4 महीने का क्लास चलने वाला है और इसमें आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। छूटने का संभावना नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। आप लोगों का प्रश्न अगर बनता है कि भाई क्या अब इस 3-4 महीने में हम कवरअप कर सकते हैं, बिल्कुल कराया जा सकता है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाया जाएगा, कौन से पोर्शन आपसे BPSC में कुछ प्रश्न ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनसे प्रश्न हमेशा कंपलसरी रूप से पूछा जाता है, तो सबसे पहले मेरे क्लास में उन्हीं को कवरअप कराया जाएगा। उसके बाद रेस्ट पार्ट को टच किया जाता है, जिससे आप लोग का पहले वो उन एरियाज़ को हम लोग पहले स्ट्रेंथ कर दें, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे आपको प्रश्न आएगा ही आएगा, और जिनको आप अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो आप कटअप की ओर पहुँच जाते हो।
हालांकि हम कट ऑफ की और बात नहीं करते, हम कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाया जाता है, ताकि आपका वो जल्द से जल्द आपको एक कट ऑफ लाने का, एक जल्दी से जल्दी आप कम समय में एक अच्छे रणनीति के तहत आप कट ऑफ लाने के योग्य हो जाते हो। क्योंकि बीपीएससी की पीटी में अभी फिलहाल मेरे कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जो कि लास्ट ईयर आप जिनका वो आपका 102 103 आकर के रह गया था, जिनका अभी एक संभावना बढ़ रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी का भी मेंस लिखा है लेकिन उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वैसे भी अभ्यर्थी जो इस बार एग्जामिनेशन में आने वाले, तो मेरे क्लास में अगर मैं अगर कहूँ कि आपकी अगर कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी तो बिल्कुल भी कोई शक नहीं, अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, आप आराम से पढ़ लेना और आप अच्छी तैयारी करवा दी, आपको याद करवाने में भी हम लोग मदद करेंगे, ताकि आप, क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, याद सबको नहीं हो पाता, तो मेरी स्ट्रेटजी यही होती है कि पढ़ने के अलावा आपको, पढ़ाने के अलावा चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद करवा दिया जाए, या फिर आपको आपके पास फैक्ट्स का जो जो एरिया होता है या फैक्ट्स का जो कलेक्शन हो आपके पास इतना अधिक हो जाए और आपको वो सारे फैक्ट्स याद भी हो जाएँ, ताकि आप उनसे एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से आप आंसर कर पाते हो। तो ये आपका क्लास जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेमेंट का लिंक भी है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास होगा मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इसके बावजूद कुछ जानने की आवश्यकता हो तो फॉर्म कॉन्टैक्ट नंबर मेरे दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश करेंगे 4 तारीख से पूर्व ही रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि फर्स्ट डे से ही आप लोग क्लास कर पाओ। थैंक यू।